मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, सुप्रभात छात्रों एंड वेलकम टू योर हिंदी ऑनलाइन लेक्चर। हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में कक्षा सातवीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। छात्रों, सबसे पहले हिंदी पाठ्यपुस्तक निकालिए, फिर हम अध्ययन के लिए शुरुआत करेंगे। आप सभी को याद होगा कि हम दादी माँ का परिवार इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, तो आज के भी ऑनलाइन लेक्चर में हम इसी पाठ को कंटिन्यू करने वाले हैं। नए परिच्छेद के अध्ययन की तरफ बढ़ने से पहले बच्चों हम क्या करते हैं? यस, वेरी गुड, हम सबसे पहले जो हमने पढ़ा है उसे रिवाइज करते हैं। सो लेट स्टार्ट। आई होप स्टूडेंट कि आप सभी ने पाठ्य पुस्तक निकाला ही होगा। चिल्ड्रंस, दादी माँ का परिवार इस पाठ के लेखक कौन है? यस राइट, रमाकांत, जिन्हें कांत भी कहा जाता है। बच्चों, लेखक रमाकांत कांत जी का जन्म 25 अक्टूबर 1949 खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस पाल कथाएं आदि। अब बच्चों, लेखक के परिचय को हम फिर से एक बार पढ़ते हैं। पेज नंबर 5, पृष्ठ क्रमांक 5, सुनो समझो और पढ़ो। पाठ क्रमांक 3, दादी माँ का परिवार, लेखक रमाकांत कांत। जन्म 25 अक्टूबर 1949 खंडेला उत्तर प्रदेश। रचनाएं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस पाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। परिचय, रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। छात्रों, माना कि कहानियाँ काल्पनिक होती हैं, पर कल्पना परिस्थिति के द्वारा ही निर्मित होती है। इस कहानी में संकट आने पर शांति से समस्या का हल सोचना चाहिए और मिलजुल कर यत्न करना चाहिए, यही लेखक हमें समझाना चाहते। छात्रों, एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी और इस कहानी में दादी माँ का छोटा सा परिवार था। दादी माँ रोज सुबह उठती, घर बुहारती, सवारती अर्थात स्वच्छ करती, सजाती, फिर आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती यानी बातें करती, फिर रात होती सो जाती। इस प्रकार दिन मज़े में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। अब आगे सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ समझदार और सयानी थी, सयानी अर्थात बुद्धिमान। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। और बच्चों, इस घोंसले में कौन रहती थी? जी हाँ, चिड़िया, जो कि दादी माँ की संगिया थी। संगिया अर्थात साथीन थी, दोस्त थी। चिड़िया का नाम था नीलू। अब जिस प्रकार सुबह उठकर दादी माँ घर बुहारती सवारती, उसी प्रकार आंगन भी बुहारती यानी स्वच्छ करती। तब नीलू चिड़िया फुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती यानी बातें करती। दादी माँ की और एक साथीन संगिया थी चिंकी चुहिया। नीलू चिड़िया पेड़ के ऊपर घोंसले में रहती तो चिंकी चुहिया पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। और छात्रों, चिंकी चुहिया जो है दिन भर घर में दौड़ लगाती और यही थी दादी माँ की दीन दुनिया। दीन दुनिया अर्थात संसार। दादी माँ, चिड़िया और चुहिया। अगर नीलू चिड़िया चिंकी चुहिया खुश रहती तो दादी माँ भी खुश रहती। अगर वे कभी दुखी हुए तो दादी माँ भी दुखी होती, वह सुखी नहीं रह पाती। बच्चों, ठंडी के दिन थे, विंटर सीजन था और उन दिनों नीलू चिड़िया ने 2 अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे, टीनू मीनू उनका नाम रखा गया और सब ने मिलकर उन्हें पोसा पाला यानि भरण पोषण किया। अब जिस प्रकार नीलू चिड़िया के 2 बच्चे थे, उसी प्रकार चिंकी को भी 2 बेटों के उपहार मिले। अब उनका भी नाम रखा गया चुस्कू मुस्कू।
वो दोनों भी बड़े भले थे, अच्छे थे। अब दादी माँ इन सब का ख्याल रखती, उनसे अपना मन बहलाती, स्नेह प्यार से उन्हें दुलारती, प्यार करती। रोने लगे तो उन्हें पुचकारती, अर्थात उन्हें चुप कराती। और चारों बच्चे यानी टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू आंगन में तोड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। अब वे भी खेल खेल में चारों जन लड़ पड़ते, उनमें लड़ाई होती, झगड़ा होता। तब दादी माँ उन्हें समझाती, कहती कि मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, तनिक अर्थात तुरंत सब मिलकर रहा करो, यानी मिलजुल कर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। और यूं ही दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब खुशी खुशी से रह रहे थे। दादी माँ उन्हें रोज़ समझाती और एकता का लाभ उन्हें गिनाती। आप सभी को पता है एक बार क्या होता है बच्चों कि चिड़ियों के ऊपर एक संकट आता है, चिड़ियों में मातम छा जाता है, मातम अर्थात रोना धोना शोक। तो बच्चों नीलू चिड़िया जो है वह दाना चुगने चली गई थी, संग अर्थात उसके साथ बच्चे भी थे यानी टीनू मीनू भी थे। सिर्फ नीलू टीनू मीनू यही नहीं तो अन्य चिड़े चिड़िया भी उसके साथ थे, जहाँ खलियान में धान उगे हुए थे भात। खलियानी अर्थात कटी फसल रखने का स्थान, तो वहाँ पर खलियान में भात के धान थे अर्थात राइस। सूरज की किरणें ढल रही थी यानी शाम का समय था, फिर भी चिड़िया जो है वह दाने चुग रही थी। फिर अचानक सडनली मुनमुन चिड़िया को ध्यान आता है यानी याद आता है कि उसके घर पे सासू माँ आने वाली है। अब घोंसले में कोई नहीं है क्योंकि सब धान चुग रहे हैं, दाना चुग रहे हैं, घोंसला खाली है, इसलिए मुनमुन चिड़िया घर जाने की विदा लेती है, सबसे टाटा बाय बाय कर लेती है और उड़ने को तैयार हो जाती है। पर बेचारी उलझ कर रह जाती है और मुनमुन चिड़िया जोर से चिल्लाती है कि अरे मैं फंस गई। नीलू चिड़िया उसकी चिल्लाहट पुकार सुन लेती है, दूसरे अन्य चिड़े चिड़िया भी सुन लेते हैं। नीलू चिड़िया उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाने लगती है तो वह भी बेचारी कुछ नहीं कर पाती। फिर नीलू चिड़िया को यह समझ में आता है कि वे सब उलझ गए हैं, चाल में फंस गए हैं, इसलिए वह चिंचिया कर चिल्लाते हुए कहती है कि अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिया के चाल में फंस गए हैं। बहेलिया अर्थात शिकारी जो चिड़ियों को या फिर अन्य पक्षियों को चाल फैलाकर पकड़ लेते हैं। अब सभी चिड़े चिड़िया बहुत तेरे यत्न करते हैं, यत्न अर्थात कोशिश प्रयास, पर उस चाल से निकल नहीं पाते बल्कि और उलझ जाते हैं। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वे उस चाल से आज़ाद नहीं हो पाते, मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए सारे चिड़े चिड़िया उदास हो जाते हैं। घर जाने की उनकी आस खत्म हो जाती है, सभी के हाल बेहाल हो जाते हैं। तब उन्हें सिर्फ अपने बच्चों का ही ख्याल आता है। बुरी बुरी बातें विचार उनके दिमाग में आते हैं, वे सोचने लग जाते हैं और फिर सभी चिड़े चिड़िया सिसक सिसक कर रोने लगते हैं। अब यहाँ पर नीलू टीनू मीनू एकदम शांत थे, पर उन्हें भी चिंता थी, वे भी इस परेशानी से एकदम क्लांत हुए थे। क्लांत इस शब्द का अर्थ है थके हुए। फिर वे तीनों सभी को दादी माँ की सीख सुनाते हैं और एकता की दोहाई देते हैं। सभी को यही बताते हैं कि अगर हम एकता से मिलजुल कर प्रयत्न करें, यत्न करें, तो इस जाल में से आज़ाद हो सकते हैं। तब
मुनमुन जो उनकी हमझोली थी अर्थात सहेली थी, हमझोली इस शब्द का अर्थ है सहेली दोस्त, वह तुनक कर बोली। तुनक कर बोलना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है चिढ़ कर बोलना। वह कहते हैं कि हम में एकता है, हम कहाँ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, हम सब हार चुके हैं, इस जाल में फंस चुके हैं, इसलिए हम चाहे कितनी भी एकता क्यों न रखें इस जाल से आज़ाद नहीं हो पाएंगे। अगर कुछ कर ही नहीं सकते तो इस एकता से क्या होगा। तब टीनू उसे कहते हैं कि बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। टीनू को बिल्कुल विश्वास था कि अगर वे एक होंगे तो जरूर इस समस्या से परेशानी से जीतेंगे। टीनू की यह बात सुनकर मुनमुन कहती है कि आखिर तुम कैसी एकता चाहती हो, तनिक खोलो अपनी अकल का पता। तनिक अर्थात तुरंत, और अकल का पता खोलना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है तरकीब बताना। बच्चों तब टीनू उन्हें युक्ति समझाती है अर्थात तरकीब बताती है। टीनू के पास एक ऐसी युक्ति थी कि उससे उन्हें मुक्ति मिल सकती थी। मुक्ति इस शब्द का अर्थ है आज़ादी। अब जो योजना टीनू ने बताई वो सबके मन को भाई अर्थात अच्छी लगी, सब उससे सहमत थे क्योंकि उसमें ही सबकी भलाई थी। टीनू ने बताया कि मीनू जैसे ही कहेंगी एक दो तीन चार उड़ने को रहेंगे तैयार, और हम सब एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। तो सभी चिड़े चिड़िया एकदम होशियार हो गए। होशियार इस शब्द का अर्थ है सजग सावधान। वे सभी उड़ने के लिए तैयार थे, और जैसे ही मीनू ने कहा एक दो तीन चार, उसी समय सभी चिड़े चिड़िया अपने पंख पसार के उड़ चले। एक साथ उड़ने के कारण वे जाल सहित उड़ लिए। उनके मनों में आशा और विश्वास था, गजब की एकता थी उन सब में, और उमंग हिलोरे रहे थे मन में। आशा इस शब्द का अर्थ है इच्छा, उम्मीद। उमंग इस शब्द का अर्थ है आशा इच्छा। गजब इस शब्द का अर्थ कमाल। बहेलिया ठगा सा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने यह किया, क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था आहारा, चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे, चिंतित दादी बैठी मुँह लटकाए, बुरे विचार मन में आए, चिंकी के आँखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे, दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। छात्रों, बहेलिया जो है वह इस दृश्य को देखकर ठगासा रह गया। ठगासा रह जाना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है चकित होना। वह सोचने लगा कि पंछियों ने, चिड़े चिड़ियों ने यह क्या किया है, ये ऐसे कैसे हो गया कि सारे चिड़े चिड़िया चाल सहित उड़ लिए। बहेलिया बेचारा क्या करता, वह तो सारे चिड़ी चिड़ियों के एकता के आगे हार चुका था। अब जाल सहित जो चिड़ी चिड़िया आसमान में उड़ रहे थे वे कहीं और नहीं रुके, वे सीधे दादी माँ के घर पहुँच गए। पर यहाँ पर दादी माँ चिंतित थी, परेशान थी, मुँह लटकाए उदास बैठी थी। उनके भी मन में बुरे बुरे विचार आ रहे थे, चिंकी चुईया की आंखों में आंसू थे, वे रोने लग गई थी, और चुस्कू मुस्कू भी बड़े उदास बैठे थे। नीलू टीनू मीनू घर नहीं लौटे, इसके लिए दादी माँ परेशान थी, उनका चरखा भी शांत था, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया था। इस प्रकार सबका मन एकदम क्लांत था, थका हुआ था, परेशानी से सब उदास थे।
अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में। चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू तीनू मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह भूली, देख उन्हें वह यो भूली, बहुत देर से आए हो नीलू आज। खैरियत तो है, क्या हुआ था काज? चिल्ड्रंस, हमने जाना कि चिड़ी चिड़िया जाल सहित उड़ ले और सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। अचानक यानी सडनली आंगन में कलरव हुआ। कलरव अर्थात पंछियों की मधुर ध्वनि। तो ऐसा कलरव सुनते ही सभी ने आनन फानन में देखा। आनन फानन अर्थात शीघ्रता से तुरंत देखा। बच्चों, वे बहुत सारे पक्षी थे जो चिंचिया रहे थे, और उनमें नीलू टीनू मीनू भी थे। उन सब का हाल विचित्र था, बुरा था। वे अनेक थे, बहुत थे, पर उनमें एका था, एकता थी। वे सभी आंगन में एक साथ उतरे, उनको देखकर ऐसे लग रहा था कि उनमें बहुत ही गहरी मित्रता है, उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। यह देखकर चिंकी उधर पहुंची। दादी माँ ने भी अपनी गर्दन ऊंची की, वह खटिया पर बैठी थी। उसने नीलू से पूछा कि आज बहुत देर से आए हो, खैरियत तो है, सब ठीक ठाक तो है? क्या हुआ आज ऐसा कि जो तुम देरी से लौटी हो घर पे? तो चिल्ड्रंस, मुझे बताइए कि कलरव कहाँ हुआ? यस राइट, कलरव घर के आंगन में हुआ। बच्चों, मुझे बताओ चिड़े चिड़िया कहाँ पहुँचे? जी हाँ, बिल्कुल सही, चिड़े चिड़िया दादी माँ के घर पहुँचे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने अध्ययन किया है, अब हम बढ़ेंगे आगे अगले परिच्छेद की तरफ। मैं परिच्छेद पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया, क्यों पहुँची पंछियों की टोली। दादी माँ हंसी और बोली, तीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी, तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। बच्चों, हमने जाना कि जो चिड़े चिड़िया जाल में फंस गए थे, वे एकता के कारण जाल सहित उड़ लिए और दादी माँ के घर पहुँचे। माँ, चिंकी, चुईया सब परेशान थे, चिंतित थे, चुस्कू मुस्कू भी उदास थे। दादी माँ का चरखा शांत था, पर जब आंगन में कलरव हुआ तो शीघ्र ही सबने आनन फानन में वहाँ देखा। तो कौन थे बच्चों? पक्षियों की टोली थी जो जाल सहित आंगन में उतर रही थी। वे अनेक थे, लेकिन उनमें एकता थी। तब दादी माँ उस नीलू चिड़िया को पूछती है कि क्या बात है, खैरियत तो है? उसके देरी से आने का कारण पूछती है। तब नीलू चिड़िया सारा हाल सुना देती है। दादी माँ को सब कुछ बताती है कि वे कैसे जाल में फंस गए, उन्होंने उड़ने की कोशिश की, सभी ने उम्मीद हारी थी, पर टीनू मीनू ने सबको हौसला दिया, एकता की दुहाई दी, और इसी तरह पंछियों की टोली यहाँ आंगन तक आके पहुँची है। तब दादी माँ हंसकर बोली कि टीनू मीनू तो समझदार है, और उन्हीं की वजह से आप सभी की आज जान बच गई है, यह तो अच्छी बात है। अब नीलू चिड़िया कहती है कि सच है जान हमारी बच तो गई है, पर इस जाल में फंसी हुई है, तो तनिक हमें संभालो, तनिक अर्थात तुरंत तुरंत हमें इससे बाहर निकालो। आगे दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई, उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली, बच्चों उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है, वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी,
नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है पर क्या करे, बच जाए कुछ ऐसा जतन करे। छात्रों, जब नीलू पूछती है दादी माँ से, नीलू दादी माँ से कहती है कि हमारी चाल तो बच गई है लेकिन फिर भी वह चाल में फंसी हुई है, अब हम इसमें से बाहर कैसे निकले। तब दादी माँ मुस्कुराती है, उन्हें राज की बात बताती है। और राज की बात क्या होती है बच्चों? जी हाँ, दादी माँ कहती है, काम करेगी एकता की गोली, क्योंकि एकता में शक्ति है और उसमें ही बचने की युक्ति है, अर्थात तरकीब है। जब तुम एक होगे तभी इस चाल से मुक्त हो पाओगे। तब नीलू बहुत ही मीठी बोली बोलती, अर्थात प्यार से पूछती है कि हम एक है पर अब क्या करें, बच जाए ऐसा कुछ जतन करें, यानी कुछ तरकीब निकालें। तो स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में यहाँ तक अध्ययन किया है। हमने जाना कि नीलू दादी माँ से जाल से बाहर निकलने की तरकीब पूछती है, युक्ति पूछती है। दादी माँ राज की बात बताती है कि एकता से ही वह इस जाल से मुक्त हो सकते हैं। पर यह युक्ति क्या थी? नीलू चिड़िया और बाकी सारे चिड़ी चिड़िया उस जाल से आज़ाद कैसे हुए, वह हम जानेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में। तो बच्चों, जहाँ तक अध्ययन किया है आपको 5 टाइम्स रीड करना है। थैंक यू चिल्ड्रंस, धन्यवाद बच्चों, हैव ए नाइस डे।